हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक इंटीग्रल दे रखा है और पूछ रहा है कि वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा या लेस देन 6/5, ग्रेटर देन 1, इस तरह का मोर देन 1 करेक्ट है, बात ध्यान रखेंगे। ऐसे टाइप को क्वेश्चन करने के लिए हमको ये प्रॉपर्टी जरूर पता होनी चाहिए जब कभी भी कोई इंटीग्रल की किससे कम है किससे ज्यादा है, अगर ये है ऐसा, ये प्रॉपर्टी जरूर पता होनी चाहिए कि a टू b f x dx ये किसके किसके बीच में होता है। स्मॉल m टाइम्स b माइनस a, स्मॉल m का मतलब ग्लोबल मिनिमा, और लेस देन कैपिटल m टाइम्स b माइनस a, कैपिटल m का मतलब ग्लोबल मैक्सिमा। तो यहां पे हमने इक्वल टू का साइन लगाया है, तो स्मॉल m टाइम्स b माइनस a लेस देन कैपिटल m टाइम्स b माइनस a। हमने क्या किया, फिलहाल इसको मान लिया कुछ y, मान लिया fx, मान लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमको ये देखना है कि कहीं कोई और क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है जीरो से टू के बीच में। अगर कहीं कुछ और क्रिटिकल पॉइंट हुआ तो ये बात होता है ना कि जो भी ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा ये जो कुछ भी अकर होते हैं तो ये क्रिटिकल पॉइंट पे ही होते हैं। वो एक अलग की बात है कि ऐसे भी क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा ना हो, वो एक अलग की बात है। लेकिन अगर कहीं पर भी रिलेटिव एक्सट्रीमा है तो वो होगी क्रिटिकल पॉइंट पे ही। तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर, और इसका आ गया माइनस 1 माइनस 5 माइनस x टाइम्स, ये हो गया माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर दिया 0 के बराबर। डिनोमिनेटर लिखने का कोई फायदा वैसे है नहीं। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 9 और फिर ये हो गया प्लस 10x माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से कितना मिल गया हमको x स्क्वायर, यहां पे कुछ रह गया है 10x रह गया है, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इतना हो गया। तो x की दो वैल्यू आ गई 1 और 9, 9 का तो भाई कोई रोल ही नहीं है क्योंकि 0 से 2 के बीच में ही चेक करना। तो हम क्या करें, f ऑफ 0 चेक करें, फिर f ऑफ 1 चेक करें और f ऑफ 2 चेक करें, whichever is less that is global minima, whichever is more that is global maxima। तो f0 कितना आएगा 5/9 हो गया, फिर f1 कितना आएगा 4/8 यानी कि हाफ आ जाएगा, f2 कितना आएगा 5-2 3, 9-4 5, तो 3/5। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है यानी कि हो गया कैपिटल m, और ये सबसे छोटा है ये हो गया स्मॉल m। अब इसमें पुट कर दिया जाए तो हाफ टाइम्स b माइनस a का मतलब 2-0 लेस देन i इज लेस देन 3/5 टाइम्स 2-0, तो ये कितना आ गया i की वैल्यू 1 और ये हो गया 6/5, तो 6/5 से कम होगी और 1 से ज्यादा होगी, 6/5 से कम और 1 से ज्यादा। तो a और b दो ऑप्शन करेक्ट है। इजी सा क्वेश्चन लिख दिया बस केवल इसलिए कि आपको ये प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं थी इसमें। ओके, थैंक यू।